आजकल हमें कितना कुछ सुनने को आ रहा है कि कोई ऐप हैक हो गई है, किसी का क्रेडिट कार्ड हैक हो गया है, जिसकी वजह से उसके क्रेडिट कार्ड से अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हो गई है। ये सब 2021 में जब आरबीआई के सामने आया तो आरबीआई ने एक पॉलिसी निकाली, टोकनाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि टोकनाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड क्या होता है। दूसरा टॉपिक हमारा ये होगा कि ये नेसेसरी है कि नहीं टोकनाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड। थर्ड हमारी टॉपिक होगा कि इसका प्रोसेस क्या क्या है। फोर्थ होगा कि इसके चार्जेस कितने लगते हैं। तो अगर जो आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो के लिए केशव बंसल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पहले हम बात करते हैं कि टोकनाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड क्या होता है। पहले जब हमें कुछ भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन करनी होती थी तो हमें क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स फिल करनी होती थी, सीवीवी और ओटीपी। पर अब हर एक वेबसाइट के लिए आरबीआई एक अलग से टोकन जनरेट करेगा, जिसे हमें अब क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर जो हमें वो ट्रांजेक्शन करनी है तो हमें बस वो टोकन भरना है और जो ओटीपी आएगा वो भरना है, जिसकी वजह से हमारे कार्ड की डिटेल्स बहुत ज्यादा सेफ हो जाती है। अगर जो किसी सिनेरियो में कोई ऐप हैक भी हो जाती है और उसमें हमारी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स थी, तो हमारी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैकर को शो नहीं होगी, उसकी बजाय उसको एक टोकन शो होगा जिसके लिए उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। तो इस वजह से टोकनाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड हमारी क्रेडिट कार्ड की सिक्योरिटी को बढ़ा देती है और फ्रॉड्स को कम कर देती है। 30 सितंबर 2022 के बाद से रेगुलेट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये नेसेसरी है कि नहीं टोकनाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो टोकनाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड हर किसी के लिए नेसेसरी नहीं है, आरबीआई अभी सिर्फ टेस्ट कर रहा है। अगर जो आरबीआई को इससे फ्रॉड कम होते हुए दिखे तो आरबीआई इसे कंपलसरी भी कर देगी। पर इस वीडियो में अगर जो आप जानना चाहते हैं कि प्रोसेस क्या है, तो हम इस वीडियो में उसका प्रोसेस भी बताने वाले हैं। तो तीसरा टॉपिक हमारा यही है कि टोकनाइजेशन के लिए हमारे क्या क्या प्रोसेस हमें करना है जिससे हमें आरबीआई का वो टोकन मिल जाए, जिससे हम ट्रांजेक्शन कर पाए। तो टोकनाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड के लिए सबसे पहले जिस ऐप पर आपको पेमेंट करनी है वो ऐप खोलनी है। उसमें आपसे पूछेंगे कि आपको टोकनाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड करवाना है कि नहीं करवाना। आपको यस क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपका कार्ड का नेटवर्क होगा, जैसे कि वीजा और रुपे, वो एक टोकन जनरेट करेंगे, जिसके बदले आपको एक ओटीपी आएगा। आपको वो ओटीपी फिल करना है और आपकी ट्रांजेक्शन डन हो जाएगी। ये इससे हमारी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा सेफ हो जाती है, क्योंकि हमें इसमें अपने कार्ड की डिटेल बार बार फिल नहीं करनी पड़ती और हर महीने और दो महीने के बाद इस कार्ड की डिटेल्स टोकन चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से हमारे कार्ड को बहुत ज्यादा सेफ रखा जाता है और इसमें ट्रांजेक्शन का फ्रॉड होने का डर भी नहीं है। लास्ट और फोर्थ पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं कि ये टोकनाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड के कितने चार्जेस होते हैं। तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बस आपकी सिक्योरिटी के लिए आरबीआई ने किया है, ताकि आपके ट्रांजेक्शन सिक्योर हो पाए और आप फ्रॉड से बच पाए। तो अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, केशव बंसल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर जो आपके इस टोकनाइजेशन के लिए कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपके वहां पर डाउट क्लियर करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोथ।